दोस्तों के साथ गुजारा हुआ हर दिन, हर लम्हा, हर शाम यादगार और खूबसूरत होती है। इसी तरह की एक शाम के लिए हम लोग जो है ना वो तैयार होकर बैठे थे, और एक शाम हमने की अपने दोस्तों के नाम। ये थी वन डिश पार्टी, और वन डिश पार्टी के लिए डिश बनाई थी मैंने कीमा और शिमला मिर्च, क्योंकि मेरे हिस्से में यही आई थी। और बस फिर हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। मेरे मियाँ सोचे कि मैं वहाँ बैठ के काम कर लूंगा, जो कि उन्होंने सिर्फ जो है वो इमेजिन ही किया था और उनसे हुआ नहीं। खैर जी, घर के आगे हम आके रुके। वन डिश पार्टी की जो हिस्ट्री है वो मैं आपको ये बताती हूँ कि हम लोगों ने जो है ना, जो सब मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं और कलीग्स हैं, ऑफिस ऑफिस में भी पार्टनर्स हैं और वैसे भी क्लास फेलोज हैं, तो उनकी मिसेस जो है बताओ अस्सलाम वालेकुम। सब औरतों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया हुआ है, और अब हमारी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई है कि अब ऐसा लगता है कि हमारे हस्बैंड जो है वो एक दूसरे के फ्रेंड्स जो है वो नहीं है और हम लोग ज्यादा हैं। तो खैर जी, उनके घर हम आए और सबसे मुलाकात हुई, बहुत ही अच्छा लगा। और बाकी के भी फ्रेंड्स थे, उनकी फैमिलीज भी आई हुई थी, और सब अपनी अपनी एक एक डिश बना के लेके आए थे। और बस एक जगह हमने एक वेन्यू डिसाइड किया हुआ था, जो कि समर भाभी का घर था, और वहाँ पे हम लोगों ने बैठ के खाना था। ये उनका छोटा सा बेबी है जो कि अभी अभी पैदा हुआ है, 3 महीने का है ये माशाल्लाह से। इसका नाम है मोहम्मद यूशा। अच्छा जी, घर के अंदर एंटर हुए हम। बस बड़ा ही अच्छा लगता है जब इस तरह छोटे छोटे इवेंट्स जो है वो आपकी लाइफ में आते रहते हैं, आपकी लाइफ की टेंशन को रिमूव करते हैं, आपको सबके साथ मिल बैठने का मौका मिलता है, आपको अच्छा लगता है सबके साथ टाइम स्पेंड करके। क्योंकि घर में एक ही रूटीन से मैं तो बहुत ज्यादा बोर हो जाती हूँ, वही सुबह दोपहर शाम की एक ही रूटीन आप चलते रहते हैं, रोबोट की तरह आपकी जिंदगी हो जाती है। लेकिन जब इस तरह की गैदरिंग्स होती है ना, तो यकीन करें बहुत दिल खुश होता है और बहुत ज्यादा मजा आता है मुझे तो। ये जी, सबके छोटे छोटे से बच्चे थे, क्योंकि हम जब लास्ट टाइम मिले थे तो माशाल्लाह से सब ही प्रेग्नेंट थी और होने वाले थे सबके। और एक तो माशाल्लाह ट्विंस हुए हैं, एक बेटा और एक बेटी, और समर का जो है वो बेबी बॉय है। और इसके अलावा एक और हमारी फ्रेंड है बख्तावर भाभी, वो भी उनके भी माशाल्लाह से बेटा है, उनका भी 3 मंथ्स का है। और किंजा है, उनकी बेटी है, वो भी 3 3 to 4 मंथ्स की है। वो भी मैं आपको आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी। अच्छा, बच्चों से खैर गपशप कर रही थी मैं, और वो इतना मतलब हम लोगों का आपस में वो हुआ हुआ है बॉन्डिंग, कि समर ने अपना बेटा जो है वो अपनी सास को पकड़ाया हुआ था, सास अम्मी को, और इसका जो ट्विन था वो एक उसने खुद पकड़ा हुआ था, क्योंकि दोनों को एक ही टाइम पे भूख लगी थी। जो एक को वो खुद जो है वो दे रही थी फीडर, और दूसरी को समर जो है वो फीडर पिला रही थी। तो बस इसी तरह जो है ना, छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जो बंदे को खुश करते हैं और एक दूसरे का एहसास जो है वो दिलाते हैं। खैर, बच्चे बच्चा पार्टी जो है वो अपने उसमें लगे हुए थे। ये तहा से मैं कह रही थी मुझे लेस दो, और मेरा अपना बेटा जो है ना वो कहता है नहीं नहीं मम्मा को नहीं देने, बाहर ले जाओ बाहर ले जाओ। खैर जी, इस तरह भी होता है। और ये मैं समर से पूछ रही थी, मैं कहा ये काफ़ी हो जाएगा हमें, क्योंकि हम लोगों ने जेंट्स को जो है वो उनकी सिटिंग अलग थी और फीमेल्स की सिटिंग अलग थी, और हम लोगों ने इस तरह डिवाइड किया हुआ था। ये बर्तन शर्तन सारे अरेंज करके रखे हुए थे जो अंदर रखते थे। बच्चे अपने अपने खेलों में मसरूफ थे, और बस अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें, मैं इतना ढीला। खैर, मैं लेस देने में कामयाब हो गई, और बस यहाँ पे जी खुशगप्पियाँ चल रही थी। सब अपने अपने बातों में मसरूफ थे, कोई जो है ना वो अपने बच्चों की बातें कर रहा था, कोई अपने घर वालों की बातें कर रहा था, कोई उतनी देर में खाना शाना रेडी हो गया, तो मैं तो है ना समर की हेल्प करा रही थी। मैं कहा लो मैं जो है सर्व कर देती हूँ, वहाँ पे रख देती हूँ, और बाकी सर्विंग शर्विंग तो खुद सब ने अपनी अपनी खुद ही करनी थी। और हम लोग क्या क्या लेके आए थे मैं आपको बताती हूँ। बिरयानी जो है वो समर भाभी ने बनाई थी, अभी मैं दिखाऊंगी सारी डिशेस भी आपको। कीमा शिमला मिर्च मैंने बनाए थे, कबाब जो है वो बनाए थे बख्तावर ने, और ये जो है हांडी, चिकन हांडी, ये किज्जा लेके आई थी, और रोटियां वगैरह जो है वो मुझे नहीं पता कौन लेके आया था, शायद समर ही लेके आई थी, आई डोंट नो। और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थी, और रायता सलाद, ये सब जो है ना समर ने अरेंज किया था। समर की भाप जो बिरयानी है ना समर की, वो मैं कहती हूँ वर्ल्ड फेमस होनी चाहिए। हमें तो बहुत पसंद है, हमें हमेशा जो है ना हर दावत में वो ये बिरयानी लाजमी बनाती है, और मुझे बहुत पसंद है उसके हाथ की बिरयानी। और इस बार तो शामी कबाब ने ना मज़ा दुबाला कर दिया था, बहुत मज़े के थे। इवन मैंने रेसिपी भी ली, और एंड पे माम भाभी की जो ब्राउनीज जो थी ना, इन्होंने कमाल कर दिया था। मैं कहती हूँ ये किंजा भाभी की छोटी सी बेटी है, इसके साथ में खेल रही थी बैठी हुई, और मुझे सारे एडवाइस कर रहे थे कि जो है ना तुम भी एक बेटी कर लो। मैंने कहा बस कर दो, खुदा का वास्ता, मुल्क के हालात देखो इतने ख़राब हुए हैं और इतनी महंगाई हुई है, तुम लोगों को जो है ना बच्चों की पड़ी रहती है हर वक्त। मेरे बच्चे हर जगह जो है ना वो जाके इसी तरह ही फ्री हो जाते हैं जैसे उनका अपना ही घर हो। तो एंड में हमने उससे कहा कि यार चाय तो पिला दो, हम तो फिर
चाय के नशे ही हैं, पता है, कोई पार्टी कोई गैदरिंग जो है वो चाय पिए बगैर फिर कंप्लीट नहीं होती, और एंड में मैं जो है बस इससे इसके साथ जो है ना टाइम स्पेंड कर रही थी, इसके साथ बैठी बातें कर रही थी, और फिर बस हम लोग घर आ गए रात को। बहुत मजा आया, बहुत इंजॉय किया। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे। इस तरह के ब्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।